दोस्तों बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अररिया, फिर सिवान और इस बार मोतिहारी में पुल गिर गया है। और देखिए अभी हम गया में मौजूद हैं और यहाँ भी एक निर्माणधारी जो है वो पुल है। अब ये पुल का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। मुझे शक ये लग रहा है कि ये पुल भी आज न कल गिर ही जाएगा। आप अभी स्थिति को देख सकते हैं, जो वास्तविक स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को एक बार देख लीजिए। यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये पुल आज न कल गिर जाएगा। लेकिन मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जहाँ पुल का निर्माण हो रहा है और जिस पुल का निर्माण हो चुका है, उसे विभाग के द्वारा स्पष्ट रूप से निष्पक्षता से आकर जांच किया जाए कि आखिर यह पुल कितना टिकाऊ है और पुल मरम्मति के लिए जितना पैसा दिया गया था उतना लगाया गया है या फिर इसमें घोटाला हुआ है। आपको इस तस्वीर को हम एक बार दिखा देंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस पुल का निर्माण आज से नहीं बल्कि करीब पांच छह साल पहले से हो रही है। और यहाँ पे दिखा देंगे कि उधर जितने भी कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं वहां उस तरह से रह रहे हैं। और यहाँ पे कोई है क्या अभी फिलहाल? यहाँ कोई नहीं है, आप है ना, आ जाइए ऊपर, आ जाइए। देखिए हमारे साथ यहाँ पे पुल में जो काम देख रहे हैं वो लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, सवाल और प्रश्न दोनों नेता और भ्रष्ट इंजीनियर के ऊपर हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा डैमेज जो है वो बिहार में कैसे हो रहा है। एक सप्ताह के भीतर एक पुल नहीं, दो पुल नहीं, बल्कि तीन तीन पुल गिर चुका है। और यहाँ पे जिस पुल का निर्माण हो रहा है, उस पुल को देखने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे। हमारे इलाके में ये पुल है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या इस पुल का निर्माण जो हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है कि आखिर ये पुल जो है वो कितने प्राकृत राशि से जो है वो बनाई जा रही है, किसका टेंडर है, कितना दिन में इसको बनाना है, ये किसी प्रकार का यहाँ बोर्ड नहीं लगाया गया। आपको मैं बता दूं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पुल का निर्माण 5-6 साल पहले से हो रहा है और इससे पहले एक ठेकेदार को जो है वो हटाया गया है, क्योंकि काम काफी स्लो कर रहा था। लेकिन जब से दूसरे ठेकेदार के हाथ में ये काम मिला है तो आप देख सकते हैं कि काम काफी तेजी से हुआ है। लेकिन काम अगर तेजी से हुआ है तो जो तेजी से काम किया गया है उस समय इस पुल को लेकर जो है वो ये ध्यान दिया गया कि नहीं, कि पुल का जो एस्टिमेट है उस अनुसार से पुल बनाना है। अगर कोई तेजी से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुल सही तरीके से बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन ये जांच इसी विभाग के लोग कर पाएंगे। हमारा काम था सवाल करना। आप दिखाएंगे इस तस्वीर को कि अभी ये पुल निर्माण नहीं हुआ है तो लोग किस तरह से, देखिए इस तस्वीर को दिखा दीजिए कि लोग किस तरह से अभी डायवर्सन के थ्रू जो है वो आते जाते हैं लोग। लेकिन ये डायवर्सन भी बरसात के मौसम में टूट जाता है और लोगों को कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये डायवर्सन आप देख लीजिए, कभी कभी अचानक से जब पानी आता है तो डायवर्सन टूट जाता है और ये पूरा सड़क जो है वो बाधित हो जाती है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये पुल कब बनेगा, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि ये पुल कब गिरेगा। क्या ये पुल गिर जाएगा, सवाल तो बनता है दोस्तों। जिस तरह से लगातार पुल गिर रहा है, निर्माणधीन पुल जो है वो गिर चुका है बिहार में और एक सप्ताह के भीतर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन पुल गिरा है, तो सवाल बनता है कि आखिर यह पुल कब गिरेगा या फिर यह पुल मजबूती से बना है कि कभी नहीं गिरेगा। अभी देखिए यहाँ पर ताला मार दिया गया है, यहाँ पे अभी कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम भी जो है वो पुल पे नहीं गए हैं, पुल से बाहर ही मौजूद हैं। ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये भी पुलवा जो है वो गिर जाएगा क्या। सवाल तो बन रहा है कि देखिए किस तरह से यहाँ से वहां तक इसका निर्माण किया गया है। अब मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने के भीतर इसका जो है वो काम खत्म हो जाएगा और इसे हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इस पुल का निर्माण जो किया गया है वाकई में जो एस्टिमेट था, जो निर्देश था, जो मटेरियल लगाना था उस मटेरियल के अनुसार इस पुल का निर्माण हुआ या नहीं, ये हम दिखाने आए। दोस्तों आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आखिर जो बिहार में पुल गिर रहा है उसका दोषी कौन है? क्या भ्रष्ट इंजीनियर है, क्या नेता है, क्या ठेकेदार है? बिहार में तो आप सभी को पता होगा कि परसेंटेज मिलता है सभी लोगों को, इंजीनियर का अलग परसेंटेज, नेता को अलग परसेंटेज, सभी के लिए अलग अलग जो है वो बांट दिया जाता है। तो हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि क्या ये पुल भी आज न कल गिर ही जाएगा क्या, और अगर गिर जाएगा तो फिर से सवाल होगा कि आखिर बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं। देखिए जो पुल निर्माणधीन है उसमें भी बिहार सरकार को एक टीम गठन करना चाहिए और भेजना चाहिए कि किस तरीके से जांच हो रही है, और उसमें बड़े बड़े लेवल के अधिकारियों को जो है वो शामिल करना चाहिए ताकि ईमानदारी से वो काम कर सके। आप देख रहे हैं कि लगातार पुल गिर रहा है। पुल तो मतलब क्या बोले, सिलसिला जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो सवाल बनता है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको एक बार हम फिर से दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो पुल बनाने का काम चल रहा है, उधर वो लोग जो है वो रहते हैं और फिलहाल यहाँ पे अभी कोई मौजूद नहीं है और काम शायद जो है वो नहीं चल रहा है, काम रुका हुआ है। अब किस वजह से काम रुका हुआ है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बस यही दिखाने के लिए हम आए हैं। एक बार सामने आ जाइएगा, इस पुल का थोड़ा तस्वीर जो दिखा दीजिए, कहीं दरार तो नहीं पड़ा, कहीं घुसना नहीं है, कहीं दरार तो नहीं पड़ा है। इधर तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस पुल का जांच होना चाहिए। काजी पुलवा सही रहेगा कि गिर जाएगा का? सही रहेगा ना। तुम पुलवा बनाए हो तो तुमको कैसे पता है कि सही रहेगा?
एक सप्ताह में 3 पुल गिर गया है बिहार में, पता है? बचले रहना जरा, सतर्क रहना। चलिए, हम चाहते हैं कि ये पुल ना गिरे, क्योंकि हमारे इलाके का है। अगर गिर जाएगा तो बड़ा सवाल कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी होगा कि आखिर समर राठौर जिस इलाके में है वो कर क्या रहे थे, क्यों नहीं जाकर जो है वो चेक किया। हम लगातार आज तीसरी बार आए हैं, पहली बार नहीं है, तीसरी बार आए हैं, दोबारा और रिपोर्टिंग करके हम यहाँ से गए हैं। चलिए, जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।